साल था 2018 का, जनवरी का महीना चल रहा था, कड़कड़ाती ठंड लोगों को सिकुड़ रही थी। राजस्थान की रेतीली मिट्टी शाम होते होते बर्फीली आगोश में ढल चुकी थी। वक्त होगा कोई शाम के 5 बजे का। जगह थी राजस्थान के बीकानेर जिले की श्री गंगानगर तहसील का पक्की गांव। गांव में एक इलाका था जिसे यहाँ के लोकल लोग इकबाल सिंह की टहनी बोलते हैं, जहाँ खेत के बीचों बीच एक छोटा सा मकान। मकान में 3 नौजवान बड़े आराम से गांजा फूंक रहे हैं। पास में हथियार पड़े हैं। इनको पता नहीं है कि आसपास के खेतों में खाकी वर्दी का बेड़ा उतर चुका है। पंजाब से आए एसटीएफ के खूंखार पुलिस वालों के दस्ते दबे पांव खेत में छिपते छिपाते आगे बढ़े जा रहे हैं। जवानों की राइफलें उस मकान को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ रही है। छोटी सी एक गलती भी पूरे ऑपरेशन पर पानी फेर सकती है। लिहाजा पंजाब पुलिस हुक हुक कर कदम रख रही है। CIA इंचार्ज विक्रम बरार इस खतरनाक ऑपरेशन में सबसे आगे चल रहे हैं ताकि अपने जवानों का हौसला बुलंद रहे। लेकिन तभी मकान में छिपे लोगों को भनक लग गई। धड़ाधड़ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पंजाब पुलिस के जवान खुद को बचा दे इधर उधर भाग रहे हैं। पूरे खेत में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। अरे मामा, आप सोच रहे होंगे पंजाब पुलिस के दस्ते किसे मारने आए हैं, मकान में छिपे लोग कौन हैं? तो सुनो मामा, पंजाब पुलिस जिसे मारने आई है कोई और नहीं बल्कि पंजाब का सबसे खूंखार क्रिमिनल विक्की गोंडर था। विक्की गोंडर जिसके ऊपर 10 लाख का भारी भरकम इनाम रखा गया था। विक्की गोंडर जिसने सुखा कालो को बीच रोड पुलिस वालों के सामने मौत के घाट उतारा था। विक्की गोंडर जिसने पंजाब की अब तक की सबसे बड़ी जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दिया था। विक्की गोंडर जिसे मारने पूरी पंजाब पुलिस मैदान में उतर आई थी। आइए आज के हमारे एनकाउंटर एपिसोड में बात करते हैं कि आखिर पंजाब के सबसे खूंखार गैंगस्टर विक्की गोंडर का एनकाउंटर कैसे हुआ था। केम छो मजामा। अरे मामा, विक्की गोंडर जो अंडरवर्ल्ड ने नाम लिया, असली नाम हरजिंदर सिंह भुल्लर। आपको बता दें कि पुलिस के लिए सिरदर्द बने क्रिमिनल विक्की गोंडर एक जमाने में डिस्क थ्रो का बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था। इंटरनेशनल स्टार बनने का सपना लिए अबोहर के सरावा बुदला गांव का साधारण स्टूडेंट विक्की जलंधर के स्पोर्ट कॉलेज पहुंचता है। विक्की के हुनर पर पूरे गांव को गर्व था। जलंधर आने के बाद विक्की ने कई मेडल जीते। डिस्क थ्रो में वह उस्तादों का उस्ताद था। लेकिन गर्म खून वाले विक्की ने जो यार दोस्त बने वह बदमाशी के शौकीन थे। जलंधर स्पीड फंड एकेडमी में विक्की की मुलाकात होती है लवली बाबा जयपाल बुल्लर और प्रेमा लाहौरिया से। अब ये सारे इकट्ठे रहने लगे और न जाने कब विक्की आपराधिक वारदात को अंजाम देने लगा। उसे भी भनक नहीं लगी। विक्की गोंडर जयपाल बुल्लर अपने साथियों के साथ रात को हाईवे पर कार लूटने लगे। कार लूट से जो मोटा पैसा आता इससे इन छोकरे लोग को लालच पैदा हुआ और फिर लड़ाई झगड़ा लूट मारपीट जैसे अपराध इनके लिए आम बात बन गई और स्पोर्ट एकेडमी पीछे छूट गई। अब यहाँ लवली बाबा और प्रेमा लाहौरिया के जरिए जलंधर में विक्की गोंडर की मुलाकात होती है सुखा कालो से। उस समय पंजाब में सुखा कालो का खासा नाम बन चुका था। धीरे धीरे उस दौर के पंजाब के सारे लफड़ेबाज गुंडे मोवाली एकजुट हो गए और बन गया पंजाब का सबसे बड़ा गिरोह। लेकिन यह ग्रुप जल्द ही बिखरने लगा। वजह थी इस ग्रुप में ज़्यादातर नौजवान थे, कोई एथलीट था तो कोई होनहार छात्र, सारे गर्म खून वाले लड़के जिसके अंदर डॉन बनने की लालच थी। तो ईगो और पावर के चक्कर में ये लोग आपस में टकराने लगे। गुट भी छोटे छोटे ग्रुप में तब्दील हो गए और तब सुखा कालो ने लवली बाबा की हत्या कर दी। उधर सेरा खुबन एनकाउंटर में मारा जा चुका था। इन सारी घटनाओं से विक्की गोंडर और सुखा कालो के ग्रुप अलग होकर दुश्मन बन गए। पंजाब में भयानक गैंग वॉर शुरू हुई। सुखा कालो ने फरवरी 2010 में अपने ही पुराने दोस्त लवली बाबा का मर्डर कर दिया। इसके बाद गोंडर ने सुखा को मारने की कसम खाई।
21 जनवरी 2015 को फगवाड़ा में गैंगस्टर सुखा कहलो को पेशी पर ले जाते समय पुलिस वैन को रोक कर विक्की गोंडर और उसके साथियों ने सुखा को गोलियों से भून डाला। सुखा के मर्डर के बाद विक्की गोंडर सुर्खियों में आया और गोंडर फाजिलका के रोकी मर्डर केस से भी चर्चित हुआ, क्योंकि रोकी के मर्डर पर गोंडर ने जेल में जश्न मनाया। 2015 के दिसंबर में तरन तारण पुलिस ने उसे सुखा मर्डर केस में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विक्की को रोपड़ जेल में रखा गया, लेकिन वहां एक लड़ाई के बाद उसे नाभा जेल शिफ्ट कर दिया गया। 30 अप्रैल को गैंगस्टर जसविंदर सिंह रोकी के मर्डर के बाद विक्की ने नाभा जेल से फेसबुक पोस्ट लिखकर इस पर खुशी जाहिर की थी। उससे पहले विक्की ने अप्रैल में ही बठिंडा के SSP स्वप्न शर्मा को नाभा जेल से फ़ोन करके धमकाया था। रोकी के मर्डर के बाद उसने लिखा था कि SSP की रोकी से दोस्ती थी। खैर, पुलिस फाइलों के मुताबिक विक्की गोंडर ने 27 नवंबर 2016 को पटियाला की नाभा जेल तोड़ने की साजिश रची और वहां से 5 कैदियों के साथ फरार हो गया। विक्की गोंडर समेत 6 कैदियों की उसी दिन सुबह पेशी होनी थी और इसके लिए वह जेल के गेट पर खड़े थे। तभी 2 कार आकर रुकी और उसमें सवार लोगों ने जेल के गार्ड पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते ही जेल में अफरातफरी मच गई और ये सभी कैदी वहां से भागने में कामयाब रहे। नाभा जेल से भागे इन सभी कैदियों की तलाश में पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इन सभी कैदियों पर 25 लाख रुपये का इनाम भी रखा। इसके बाद बाकी सारे तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन विक्की गोंडर पुलिस की पकड़ से कोसों दूर था। जेल से फरार होने के बाद विक्की गोंडर और पुलिस के बीच 7 बार मुठभेड़ हुई, बावजूद हर बार भाग जाता। लिहाजा अब पंजाब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था। पंजाब के तत्कालीन CM कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद इस क्रिमिनल की फाइलें पढ़ रहे थे। पुलिस की नाकामयाबी मीडिया में शोर मचा रही थी। तब DGP सुरेश अरोड़ा, इंटेलिजेंस चीफ दिनकर गुप्ता और DGP लॉ एंड ऑर्डर की निगरानी में विक्की गोंडर को पकड़ने खुफिया मीटिंग बुलाई गई और तगड़ी प्लानिंग बनी। अब प्लानिंग के तहत पुलिस की 7 कंपनियों को मैदान में उतारा गया। हाईली ट्रेन जवान, मॉडर्न वेपन से लैस कमांडो विक्की गोंडर की तलाश में जुट गए। 3 कंपनियों को मालवा में भेजा गया, 2 टुकड़ी दुआब में और 2 मांझा के लिए रवाना हुई। इसके अलावा पुलिस की 10 कंपनियां रिजर्व रखी गई, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कहीं भी भेजा जा सकता था। इन 1.25 महीने के दौरान पुलिस को जहां जहां भी विक्की गोंडर और उसके साथियों के होने की सूचना मिली वहां पुलिस पहुंची, लेकिन वह बच जाते। विक्की गोंडर को लेकर राज्य पुलिस ने फाजिलका, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा और तरन तारण में जाल बिछा रखा। लेकिन तभी एक अफवाह ने जोर पकड़ लिया कि विक्की गोंडर विदेश भाग चुका है। मीडिया में बातें होने लगी अब विक्की गोंडर कभी हाथ नहीं आएगा। पंजाब पुलिस की किरकिरी होने लगी, लेकिन पंजाब पुलिस ने अपना मिशन जारी रखा। इसी बीच इस ऑपरेशन को लीड कर रहे CI इंचार्ज विक्रम बराड़ के हाथ एक वॉइस सैंपल लगा, जिसमें 2 लोगों की बातचीत के दौरान तीसरे व्यक्ति की भी बातचीत थी। उस तीसरे व्यक्ति की वॉइस चेकिंग कराई तो वह गोंडर की निकली। इन 3 लोगों की बातचीत इंडिया में हो रही थी, यानी विक्की गोंडर इंडिया में ही था। अब पुलिस ने विक्की गोंडर के बारे में जानकारी लेना जारी रखा। विक्की और उसके साथी कहां कहां जा रहे हैं, लगातार पुलिस इन्हें ट्रेस कर रही थी। तभी पुलिस को मुखबिरी मिली कि गोंडर और उसके साथी हरियाणा के यमुनानगर में छिपे हैं। पुलिस का काफिला वहां पहुंचा। पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन फिर भी वह बच निकली। अब यहां से लगातार पुलिस की टीमें सजाग होकर गोंडर का पीछा करने लगी। मुठभेड़ के ठीक 1 महीने बाद पुलिस को सटीक मुखबिरी मिली कि विक्की गोंडर और उसके साथी राजस्थान के श्रीगंगानगर के पक्की गांव में देखे गए हैं। साथ साथ पुलिस को ये जानकारी भी मिलती है कि इन लोगों के यहाँ आने के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि गोंडर प्रेमा और उसके साथी अफीन खाने के शौकीन हैं, इसकी चाह में वह बॉर्डर पर स्थित गांव पहुंचे। दूसरी बात ये कि पंजाब पुलिस इन्हें कभी भी मार सकती है, ये बात गोंडर बखूबी जानता है। इसलिए ये लोग राजस्थान बॉर्डर से पाकिस्तान भागने की फिराक में हैं। जैसे ही यह खबर CI इंचार्ज विक्रम बराड़ को मिली, तुरंत श्रीगंगानगर के लिए उस गांव में पुलिस का काफिला निकल पड़ा। 25 जनवरी 2018 श्रीगंगानगर का पक्की गांव, विक्रम बराड़ की अगुवाई में पुलिस का घातक बेड़ा
गांव में दस्तक दे चुका था। विक्रम बराड बखूबी जानते थे कि विक्की गोंडर को पकड़ना कोई आसान खेल नहीं है। बकायदा पुलिस के जवानों ने अपना भेष बदला, कोई किन्नू व्यापारी बना तो कोई किसान बना। पुलिस के जवान गांव में फैल गए और चप्पे चप्पे पर पूरे गांव की रेकी करने लगे। दो दिन छानबीन करने के बाद विक्रम बराड को पता चलता है कि गांव में इकबाल की ढाई नाम का एक इलाका है, जहां खेत के बीचों बीच बने एक मकान में तीन अज्ञात लोग छिपे हुए हैं जिनके पास हथियार है। विक्रम बराड समझ गए हो सकता है ये विक्की गोंडर ही है। 27 जनवरी 2018 शाम के कोई 5 बज रहे थे। विक्रम बराड की अगुवाई में पंजाब पुलिस के जवान मॉडर्न वेपन से लैस खेत में कूद पड़े। चित्ते की चाल जवान उस मकान के चारों ओर फैल गए। तभी उस मकान में छिपे विक्की गोंडर के साथी प्रेमा लाहौरिया को खेत में कुछ हलचल का एहसास हुआ। चुपके से देखा तो पुलिस का काफिला चारों ओर से उन्हें घेर चुका था। अब भागने का कोई चारा बचा नहीं था। तब विक्की गोंडर प्रेमा लाहौरिया और तीसरे आदमी ने पुलिस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। खेत में खुद को बचाते लड़खड़ाते पुलिस टीम ने भी उस घर को चारों ओर से अंधाधुंध गोलियों का पूरा बस्ट झोंक दिया। कोई 5-10 मिनट गोलीबारी चली, फिर अंदर से गोली चलनी बंद हो गई। कुछ देर बाद पुलिस टीम मकान में घुसी तो विक्की गोंडर प्रेमा लाहौरिया और तीसरा शख्स जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। सांसों की डोर कट चुकी थी। इसके बाद इस एनकाउंटर की पूरे पंजाब में सराहना हुई। खुद CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस टीम का हौसला बढ़ाया। तो मामा, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि बुराई के रास्ते पर चलोगे तो अंजाम भी बुरा ही होगा और पीछे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो मेरे वीरो, अपराधी मत बनना। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम। मिलते हैं फिर।